Goodbye. हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों, आपने स्क्रीन पर जिस तरह का वीडियो देखा, इस तरह का वीडियो बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना। सीधे मुद्दे की बात पर आता हूँ दोस्तों, और यहाँ पर जितने भी मटेरियल यूज करूँगा सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें आपको मैं दो तरीके से वीडियो बताऊँगा। आपका भाई आपसे यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, वीडियो आप अच्छे से नहीं बना पाओगे। और दोस्तों, इस तरह से आप काइनमास्टर को भी एडिट करना चाहते हो तो वीडियो का लिंक मिलेगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप उसको देखकर इस तरह से काइनमास्टर अपने वाले को एडिट कर सकते हो। तो प्लस पर टैप कर देते हैं और आपको 1.1 वाला ये रेशियो सेलेक्ट कर लेना है दोस्तों। इस तरह से हमारी फोल्डर जो है हमारी ओपन हो जाएंगी। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या करना है, ये वाला वीडियो जो है ऐड कर लेना है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी एक PNG। इस तरह की PNG आपको एक बनानी है, जैसे इस तरह से हाथ करके आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो और इस तरह से एक PNG बना लेनी है। तो दोस्तों, इस PNG पर जो 2021 है, इसको आप पहले से ही इसके ऊपर हाथ पर लगाकर इसको इरेज कर सकते हो या फिर इसमें बाद में ऐड भी कर सकते हो। ओके, तो ये वीडियो हमारा आ चुका है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, इस वीडियो पर टैप करना है, 3 डॉट पर टैप करना है, इसका एक डुप्लीकेट एज लेयर ले लेना है। और दोस्तों, इस वाले बॉक्स पर टैप करके, इस वाले बॉक्स पर सेकंड वाले पर टैप करके फुल स्क्रीन कर देना है और एक बार राइट पर टिक कर देना है। और फिर से आपको इसी पर टैप करना है और नीचे स्क्रॉल करना है। आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर टिक कर देना। अब दोस्तों, आपको यहाँ पर इसमें और दे भी रख सकते हो या फिर मल्टीप्लाई भी, तो इसमें आप दोनों कोई सा भी ऐड कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे दोस्तों वो आपको यहाँ पर रख लेना है। तो मैं यहाँ पर एक बार मल्टीप्लाई रख लेता हूँ और राइट पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो एक बार स्क्रॉल आगे चलाना है, जैसे हम इस तरह से गुड बाय बोलता है यहाँ पर आपको आ जाना, वीडियो को रोक लेना है और लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है, और जो मैंने आपको अभी बताई थी PNG निकाल कर इस तरह से यहाँ पर ऐड करनी है। अगर दोस्तों PNG आपको बनानी आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगा, उसको देखकर आप PNG बना सकते हो। तो PNG आ चुकी है, इस PNG की हम डिस्क्रिप्शन अपने वीडियो जितने बना लेते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा दोस्तों इरेज करना पड़ेगा, मुझे सॉरी क्रॉप करना पड़ेगा, क्रॉपिंग पर जाकर इसको मैं इतना क्रॉप कर लेता हूँ और राइट पर टिक कर देता हूँ। फिर से इसी पर टैप करता हूँ और इसको मैं इतना जूम कर लेता हूँ। ओके, 3 डॉट पर टैप करता हूँ और इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ। ओके, इस तरह से आपको सेंड टू बैक कर लेनी है। आपकी PNG का भी कलर जो है इसमें मैच हो जाएगा। और अपने PNG का थोड़ा बहुत कलर एडजस्ट करना चाहते हो तो इस एडजस्ट पर जाकर आप यहाँ से चेक कर सकते हो मैच। ओके, तो यहाँ पर मैं नहीं कर रहा, एक बार राइट पर टिक कर देता हूँ। फिर से इसी पर टैप करता हूँ और यहाँ पर स्टार्टिंग पोजीशन पर आ जाता हूँ और इस PNG को मैं क्या करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर छोड़ देता हूँ। ओके, तो अब आपको क्या करना है, चाबी का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है। वीडियो को आपको यहाँ से आधा चला जाना है आगे इतना। ओके, एक प्लस का डॉट दे देना है और इस PNG को अब आपको यहाँ पर सेट कर लेना है, जहाँ आप अपने इस PNG को सेट करना चाहते हो उस हिसाब से आपको सेट कर लेना है। ओके, तो मैं इस PNG को यहाँ पर सेट कर लेता हूँ और राइट पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको जो मैंने बताई थी, अगर आप 2021 की PNG इस तरह से हाथों में पहले से इरेज कर लेते हो तो ठीक है, नहीं करते तो आपको यहाँ पर क्या करना है, लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है, अपनी गैलरी से वो PNG ऐड कर लेनी है आपको। तो वो मैं यहाँ पर PNG ऐड कर लेता हूँ दोस्तों, ये वाली PNG ऐड करता हूँ, इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पर टैप करते हैं, इसकी भी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लेते हैं और इसको थोड़ा सा साइज़ जो है छोटा कर लेते हैं, छोटा आप अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अगर यहाँ पर एडजस्ट करने में दिक्कत आए तो आपको ये वाला बॉक्स दिख रहा है, इस पर टैप कर देना है और इसको थोड़ा और छोटा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो फिर से हम जूम कम कर लेते हैं और इन एनिमेशन पर टैप करते हैं और नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पर ड्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर देना है और राइट पर टिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले थोड़ा सा वीडियो इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है, यहाँ तक आ जाना है, जैसे हम जो हमारा ये 1 है इसको जैसे ये बाई लगा रहा है उस हिसाब से आपको इस पोजीशन पर आ जाना है और लेयर पर टैप करना है और लेयर पर टैप करना है और अपनी गैलरी से एक आपको ये वाला इफेक्ट डाउनलोड करना है। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले अपने मोबाइल का जो डाटा ऑन कर लेना है, ऑन करके
आपको यहाँ पर गेट मोर में चले जाना है, और जो ये वाली इफेक्ट है आपको यहाँ पर ओवरले में जो ये नीचे से आपको स्पेशल इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा है इस पर टैप करना है। एक हम ये वाला ऐड करेंगे, इसी में आपको वो इफेक्ट मिल जाएंगे। एक हम ये वाला भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको तीनों इफेक्ट मिल जाएगी। एक और जो इफेक्ट है यहीं ओवरले में इन सभी में मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ से पहले से डाउनलोड किया है, तो मैं यहाँ पर एक बार बैक आ जाता हूँ और मैं एक बार इसको इस वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सेकंड वाले को, ओके, और राइट पर टिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, इसकी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लेनी है। इफेक्ट की चौड़ाई जो है ज़्यादा है तो हम इसको इस तरह से जूम कम कर लेते हैं और आपको यहाँ पर सेट करना है। अब आपको थ्री डॉट पर टैप करना है और इसको सेंड टू बैक कर देना है। जो हमने मल्टीप्लाई किया था उस कलर में ये मिल जाएगा, तो अलग से नहीं ले जाएगा। और इतना काम हो गया। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, फिर से इसी पोजीशन पर आ जाना है, थोड़ा सा वीडियो आगे स्क्रॉल करना है यहाँ तक, और फिर से आपको स्क्रीन पर टैप करके, लेयर पर टैप करके, ओवरले पर टैप करके आपको एक और इनमें से दो से तीन यहाँ पर इफेक्ट यूज़ करने हैं। तो सेकंड वाला भी आप अपना मनचाहा ले सकते हो। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ और एक बार ऐड पर टिक कर देता हूँ, इसकी ड्यूरेशन बढ़ा लेता हूँ। अब दोस्तों इसको भी हम थोड़ा छोटा या बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं और इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। थ्री डॉट पर टैप करते हैं, सेंड टू बे कर देते हैं। एक बार स्क्रीन पर टिक करके आपको इस तरह से थोड़ा सा वीडियो स्क्रॉल कर लेना है और आपको इस पोजीशन पर आ जाना है, यहाँ तक आ जाना जहाँ से पीएनजी पूरी आ जाती है। तो लेयर पर टैप करते हैं, ओवर लेयर पर टैप करते हैं, ये वाला जो बिजली का इफेक्ट है इसको ऐड कर लेना है। आपको जो ये लास्ट वाला है इसको सेलेक्ट कर लेना है और राइट पर टिक कर देना है। इसकी भी ड्यूरेशन यहाँ से बढ़ा लेनी है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पहले थ्री डॉट पर टैप करते हैं, इसको भी सेंड टू बैक कर देते हैं और इसको हम देख लेते हैं कहाँ से आता है, उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। तो ये मेरे हिसाब से ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो चुका है। आपके वीडियो में नहीं हो तो आपको इसको ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना है। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, जैसे हमने इस वीडियो में हमारी ये वाली पीएनजी ऐड करी, अगर दोस्तों आप अगर इसमें एक वीडियो ऐड करना चाहो, जैसे हम चलते हुए कोई वीडियो हो आपको चलते आना है स्लो मोशन में, तो वो वीडियो भी ऐड कर सकते हो और वीडियो ऐड करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। आपका जो ये जो मेन वीडियो है ये वाला, इसका एक भी डुप्लीकेट नहीं लेना है आपको अपने वीडियो को। बस एक ध्यान रखना, आपने जो वीडियो शूट करो उसमें पैरों के नीचे ज़मीन होनी चाहिए थोड़ी सी, और स्काई का आपका जो कलर है वाइट होना चाहिए और फुल वीडियो होना चाहिए। तो मेरे पास टाइम नहीं था, तो उस हिसाब से मैंने वीडियो नहीं शूट किया, तो मैं आपको पीएनजी वाली ये वीडियो बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ये काम किया है। अब आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपकी पीएनजी इतनी आ जाती है यहाँ से, तो आपको यहाँ तक आ जाना है और एक बार स्क्रीन पर टिक करके, लेयर पर टैप करके, ओवर लेयर पर टैप करके ये वाला इफेक्ट आपको डाउनलोड करना है, लास्ट वाला सेलेक्ट करना है और राइट पर टिक कर देना है। इसकी ड्यूरेशन आपको यहाँ से बढ़ा लेनी है और इसको आपको यहाँ पर सेट कर देना है। और इन एनिमेशन का ये ऑप्शन दिख रहा है, इस पर टैप करना है और नीचे स्क्रॉल करोगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर स्किल डाउन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर टैप कर देना है और राइट पर टिक कर देना है। इस तरह से आपका वीडियो यहाँ पर कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है। इसमें साउंड भी ऐड है, साउंड आपको नहीं लगाना पड़ेगा दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर वीडियो एक बार चला के देख लेते हैं कैसा बना है, ओके। तो आपने देखा वीडियो बहुत ही मस्त एंड शानदार बना है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों। लाइक नहीं करते हो आप वीडियो को बिल्कुल भी, इग्नोर मत किया करो यार, भाई इतनी मेहनत से वीडियो लाता है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो यार, और कमेंट बॉक्स में बता देना कि अच्छा लगा या बुरा लगा। अब दोस्तों इस वीडियो को गैलरी में सेव करने के लिए इस शेयर पर आपको यहाँ पर टैप कर देना है और यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है दोस्तों, ओके। तो एक्सपोर्ट कर लेता हूँ मैं, और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।